जॉइंट है ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम मलिक बॉक्सर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई अभी आया हूं मैं, देख पा रहे हो वॉशिंग स्टेशन। तो भाई अभी आया हूं मैं गाड़ी को धुलवाने, और आज मतलब ये लगा लो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था ये कब गंदी हो, ठीक है ना। आज की वीडियो में मैं इस देख रहा था, पहली बात तो यार दूसरे तीसरे दिन गंदी हो जाती है क्योंकि ब्लैक कलर है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है ना। लेकिन भाई मेन जो मोटिव था वो था इसको थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने घर पर ही वॉश करता हूँ गाड़ी को, है ना। क्योंकि लगभग ये लगा लो हर दूसरे दिन पानी मारता हूँ और साफ हो जाती है। लेकिन आज थोड़ा सा मैं वेट इसलिए कर रहा था कि आप लोगों को प्रॉपर ये दिखा पाऊँ कि कन्वर्टेबल थार के अंदर पानी जाता है या नहीं जाता है। बहुत से भाई ये सोचते हैं कि कन्वर्टेबल गाड़ी है, तरपाल है, मेन सीधी हम अपनी सिंपल भाषा में बात करूँ तो तरपाल है, ठीक है। तो लोग ये सोचते हैं कि तरपाल है, तरपाल के अंदर रेत भी जाता है, मतलब डस्ट भी जाता है, पानी भी जाता है, पानी की लीकेज होती है इस गाड़ी में। भाई ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होगा तो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं होगा तो आप लोगों को दिखी जाएगा। मेरी नज़र में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, हर जगह ट्रैवल किया, लद्दाख भी गई है गाड़ी, स्पीति भी गई है, राजस्थान के जैसलमेर तक भी गई है, हर जगह गई है, लेकिन आज तक भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मतलब मैंने गाड़ी धुलवाई है या बारिश में भी अंदर एक टपका भी पानी आया हो। हार्ड टॉप गाड़ियों में आता है पानी, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन भाई इस गाड़ी में पानी नहीं आता। आज उसी पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर पानी जो मारते हैं ना इनका, तो यार प्रेशर होता है, जब प्रेशर का पानी नहीं जा पाएगा तो समझ लो बारिश। तो भाई बेसिकली अभी अंदर से सफाई चल रही है, और क्या चल भाई, बाईस बह रहा है शायद, सुनी नहीं। अरे कितना टाइम लगेगा, पाँच से छः मिनट, ठीक है। बस रेत नहीं दिखना चाहिए भीतर कहीं भी, ठीक है ना। ऊपर देख इन पे सीटा पे सारे का कपड़ा मार दिया, और ऊपर तो आला कपड़ा। तो भाई पहली बार देखा ये, पहले भाई बाहर से धोते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे को कुछ नया लगा है। यहाँ पे पहले गाड़ी को अंदर से धोया जाता है ना, अंदर से धोया जाता है ना। तो कोई नहीं, दिखाता हूँ बाहर से, मेन तो मेरे को बाहर से दिखाना है कि पानी जाता है नहीं जाता है। तो भाई पानी लगना शुरू हो गया, और एक बार मैं अंदर चलता हूँ और भाई मारेगा पानी, ठीक है, और जब भी पता चलेगा आप लोगों को कि प्रेशर का पानी कैसे आ रहा है। और भाई ये देखो प्रेशर, कहीं से भी अगर पानी आ रहा हो तो चेक कर लो भाई, आप लोगों के सामने है। गाड़ी का जो जॉइंट है ना आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन चेक करो एक बार कहीं से भी भाई गाड़ी के अंदर पानी नहीं आएगा ऊपर से। भाई कहीं से भी पानी नहीं आएगा, ये भाई देखो अभी प्रेशर यहाँ मार रहे हैं, तो ये प्रेशर का है, लेकिन भाई पानी नहीं आएगा, ठीक है ना। देख लो अगर पूरी गाड़ी मगर एक बूंद भी पानी आया हो, अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को, सब कुछ सूखा पड़ा है, ठीक है ना। तो गाइस गाड़ी धुल गई है, देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल वो कहते हैं ना साफ सुथरी होगी थार। और भाई पानी की बताऊं तो एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग ये सोचोगे कि नहीं गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं पानी गया है। अच्छे से दिखाता हूं, एक बार लाइट ऑन कर देता हूं, ये देखो भाई कहीं भी भाई यही है इसके जो कहते हैं जॉइंट्स, मतलब जहाँ से मतलब पानी आ सकता है, लीक कर सकती है, कहीं से भी नहीं। एक बार अंदर और चेक करो, देखो कहीं भी अगर आपको पानी दिखे तो, ठीक है ना भाई, वो पानी नहीं है, साफ करने का है, ठीक है। तो भाई काफी भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कन्वर्टेबल गाड़ी में, और काफी लोग मतलब लेते भी नहीं है कन्वर्टेबल, इसीलिए बेसिकली कन्वर्टेबल को इसीलिए रिजेक्ट करते हैं कि ये सोचते हैं कि कन्वर्टेबल में पानी आता है। देख लो अगर कहीं से भी भाई पानी आ रहा हो तो, आप लोगों के सामने है, ठीक है सारा। तो भाई पानी गाड़ी के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो भाई काफ़ी भाई यही सोचते हैं कि कन्वर्टेबल गाड़ी है, डस्ट आएगा, पानी आता है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। डेढ़ साल से हम इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ली है तो ये लगा लो कुछ सोच समझ के ली थी कन्वर्टेबल। तो भाई यही कहना चाहूँगा कि कन्वर्टेबल गाड़ी में पानी नहीं आता है, ठीक है।
आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं होंगे तो भाई उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो को करता हूँ भाई मैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ कल रात को 8 बजे। टिल देन अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।